से आप सभी लोग, आज का मेरा टॉपिक है राइटिंग जॉब एप्लीकेशन। हमें जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या राइट करना चाहिए, क्या क्या मेंशन करना चाहिए, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट थिंग है वो हमारा होना चाहिए कि ना, हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें होना चाहिए हमारा फुल नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। आजकल का जो कॉन्टैक्ट का जो मीडियम है वो है फ़ोन एंड ईमेल। ये हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कंपलसरी होने चाहिए। उसके बाद हमें उसमें जब लिखें हम, तो हमें रिज्यूम या सीवी रखना चाहिए अपने, जो कि हमें हाईलाइट करें एडुकेशन के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और रिलेवेंट स्किल्स के बारे में, एनी स्किल्स दैट यू हैव। हमें अपने जॉब एप्लीकेशन में हमें ऐसी सारे स्किल्स को मेंशन करना चाहिए जो हमारे पास हैं, जो नॉर्मली होने चाहिए, जो मेन स्किल्स होने चाहिए, जो रिलेवेंट हों उनको ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। 3 या 4 लाइन का स्टेटमेंट होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई आपका जॉब एप्लीकेशन पढ़ता है तो वो नॉर्मली इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है। ए कवर लेटर दैट एक्सप्लेन्स वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब एंड हाउ योर क्वालिफिकेशन अलाइंस विद द पोजिशन। हमें अपने जॉब एप्लीकेशन के साथ हमें कवर लेटर को भी पोस्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारा लेटर रीड करे वो हमें समझे कि ना, हम इस जॉब के बारे में क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जब भी आप कभी कोई इंटरव्यू देते हैं तो आपको पूछा जाता है आपको यही जॉब क्यों चाहिए, आपको यही पोजीशन क्यों चाहिए, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट के बारे में हम कुछ बताते हैं, ये हर जगह चेक किया जाता है। कि कवर लेटर, हमें अपने एप्लीकेशन के साथ एक कवर लेटर भी मेंशन करना चाहिए। जो कवर लेटर ये होता है कि हमें बताता है कि हम इस जॉब में, इस पोजीशन में क्यों इंटरेस्टेड हैं। जब कभी भी आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ ये आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आपको यही जॉब क्यों चाहिए, यही कंपनी क्यों चुनना है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, तब हम उसमें डालते हैं कवर लेटर में, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। रिलेवेंट क्वालिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कि आपका क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री है कि नहीं, आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं जो उस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट हैं, जो रिलेवेंट हैं। नॉर्मली जब हमारे पास बहुत सारे ये हो जाते हैं क्वालिफिकेशन, तो हमें सबसे पहले उनको मेंशन करना होगा जो कि जॉब से रिलेवेंट हैं। बाद में हम उनको भी मेंशन कर सकते हैं जो कि हमारे जॉब से अतिरिक्त हैं, जो भी होते हैं, मतलब मीनवाइल की होते हैं, जिनको हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे पास क्वालिफिकेशन होते हैं तो उनको हम मेंशन कर सकते हैं, अगर हमारे पास स्पेस है या टाइम है तो। प्रोफेशनल एसोसिएशन और मेंबरशिप, हमें अपने से, हमारे ऊपर कौन कौन से एसोसिएशंस हैं, हम किन किन एसोसिएट्स से जुड़े हुए हैं, कौन किन के मेंबरशिप हमारे पास है, किन का मेंबरशिप है, और हम क्या क्या रन कर रहे हैं, किस पोजीशन पर अभी हैं, ये सब हमें इसमें मेंशन करना चाहिए अपने जॉब एप्लीकेशन में। यू शुड मेंशन एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन और मेंबरशिप दैट यू होल्ड एट द टाइम। हमें उनको मेंशन करना चाहिए जो हम अभी हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है, तो वो डिग्री को मेंशन कर सकते हैं इसमें, या जिनके पास है वो मेंबरशिप मेंशन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो भी एक हमारे जॉब एप्लीकेशन का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि साथ में अटैच्ड होना चाहिए, जो हमारे एप्लीकेशन के लास्ट में अटैच हो या कहीं भी हो, हमें पोर्टफोलियो भी अटैच करना चाहिए ऑफ वर्क एंड एक्सपीरियंस। हमने कहाँ कहाँ काम किया, हमारे पास क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें डिग्री मिली है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब पोर्टफोलियो मेंशन होने चाहिए। रेफरेंसेस, अगर आपके पास एनी रेफरेंसेस दैट यू कैन प्रोवाइड विद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच रेफरेंसेस, हमें अपने बारे में रेफरेंसेस के प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोवाइड डिटेल करना चाहिए उनका रेफरेंसेस के बारे में, ईच रेफरेंसेस का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा जॉब एप्लीकेशन है उसका एक फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें मेंशन होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिख के रखा है अभी, जो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, इसमें कोई ये नहीं है कि ना मैंने कहाँ से लिखा है, क्या लिखा है, अपने आप से लिखा है। सारे फॉर्मेट जिसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ कैसे मेंशन करना है, ये सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द ओपन पोजिशन एट SRM ग्रुप। SRM ग्रुप इज ए कंपनी जहाँ हमको इस पोजिशन पर लेना है। आई बिलीव दैट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मेक मी ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस रोल। आई हैव ए बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग। आई एम हाईली स्किल्ड इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड एनालाइजिंग मार्केट डाटा। आई एम आल्सो हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एबल टू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट वंस। आई एम प्रोफेशिएंट इन इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस, विच विल बी एन एडवांटेज फॉर योर कंपनी। ये सब हमारे स्किल्स हो गए, इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस था हमारा, क्या क्या हम कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है माय करंट रोल, हमने अभी कहा है किस पोजीशन पर हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। माय करंट रोल, आई हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग सेल्स फॉर लार्ज रिटेल कंपनी। आई हैव सक्सेसफुली इंक्रीज सेल बाय 20% थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद की कस्टमर। आई एम कॉन्फिडेंस दैट माय स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मेक ए वैल्यूएबल एसेट टू SRM ग्रुप्स। हम आपके कंपनी के लिए इतना सारा कर सकते हैं, अभी हम इतना कर रहे हैं, इतना सब हमने प्रोग्रेस किया है। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर SRM ग्रुप्स एंड कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ द कंपनी। आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू सून। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। ये भी लास्ट में होता है कि आपने हमारा एप्लीकेशन पढ़ा, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। योर सिंसियरली, सिंसियरली डालना ये जरूरी होता है। जब जॉब एप्लीकेशन होता है तो वहाँ नॉर्मली और सारे लोग सिंसियरली यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग। आप यहाँ और कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो ही होता है योर्स वगैरह वगैरह। यहाँ योर नेम होना चाहिए, उसके नीचे एक लाइन का स्पेस देकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ स्पेस मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको देना चाहिए। फिर ईमेल, फ़ोन, लिंक्डइन, ये सारी प्रोफाइल्स होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए आपका, यहीं पास होना चाहिए। और रिज्यूम, कवर लेटर, पोर्टफोलियो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आर अटैच्ड। हमें ये सब भी पीछे इस जॉब एप्लीकेशन के प्रिंट आउट में होगा या ईमेल होगा, तो इसके पीछे वो सब भी अटैच करके रखना है। ये हमारा फ्रंट पेज होना चाहिए। थैंक यू।